हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रीलिमिनरी। ये अपना रिवीजन लेक्चर है, तो जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस रिवीजन। एंड ये जो नोट्स जिससे मैं रिवाइज करवा रहा हूं, मैं लिंक में उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग जो डिस्कस करने वाले चैप्टर वन प्रीलिमिनरी, सबसे पहला उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइटल। टाइटल बेटा, टाइटल क्या है इस एक्ट का? तो टाइटल है द कंपनीज एक्ट। इस एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। फिर ये लॉ कहां कहां पे अप्लाई होगा? तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। देखो वैसे तो ना, पहले हम लोग कभी डिस्कस करते भी थे, वैसे तो ये एप्लीकेबल ही था हमेशा से होल ऑफ इंडिया को, बट पहले तो जम्मू कश्मीर और वो सब डिस्कस करते थे, अब तो वो डिस्कशन भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये हमेशा से होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल था। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस कर रहा हूं, वो एप्लीकेबिलिटी। ये लॉ किसको किसको अप्लाई होगा, ये तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये बोला कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बेसिकली ये कंपनी का ही डेफिनेशन है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है ये उसी को कंपनी बोलते हैं। तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 था, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो बोला भाई जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है उसको ही यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 या उसके पहले वाले कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड होगा उसी को कंपनी बोलते हैं। और उसको क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? तो ऑब्वियसली उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, वहां तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 पहले तो कंपनी को अप्लाई होगा। अब बाकी किसको किसको अप्लाई होगा? ये तो इन लोग ने बोला भाई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुआ है, जैसे LIC स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुआ है, क्या ये लोग को अप्लाई होगा? बोला हाँ इनको भी अप्लाई होगा। ए बट अगर मैं बताऊं ना, बैंकिंग कंपनी को अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट, अगर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर फॉर्म है जैसे LIC हो गया उसको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन उनका खुद का भी तो लॉ है, ये जैसे बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए दो एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो वो एक्ट भी तो उनको अप्लाई होगा। तो बोला हाँ भाई वो एक्ट भी अप्लाई होगा, दोनों एक्ट अप्लाई होगा। या LIC के लिए LIC एक्ट है, वो एक्ट भी तो उसको अप्लाई होगा। तो बोला हाँ दोनों अप्लाई होगा। लेकिन हमेशा याद रखो, नॉर्मली दोनों अप्लाई करना है, बट अगर कुछ डिस्प्यूट आ रहा है तो हमेशा याद रखो स्पेसिफिक ओवर जनरल। तो बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट IRDA एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेसिफिक लॉ है, तो ऑब्वियसली वो प्रीफर किया जाएगा, वो प्रिवेल होगा। तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन जहां जहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है वहां पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। उतने पार्ट को, उतना पार्ट कंपनीज एक्ट का ना फॉलो करके उनके स्पेसिफिक लॉ मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करेंगे। सेम वे LIC जैसे स्पेशल एक्ट के अंदर बनाया तो उसको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, जो LIC एक्ट में अगेंस्ट है कंपनीज एक्ट के, तो फिर LIC एक्ट फॉलो करो, कंपनीज एक्ट फॉलो मत करो, वही लिखा भी यहां पे। तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इंश्योरेंस एक्ट, नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और सेम चीज। फिर इसके बाद लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला क्या बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होगा क्या? देखो कंपनी को अप्लाई होगा। अच्छा कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट में फॉर्म हुआ है वो कंपनी। देखो इसका डेफिनेशन दिया भी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, क्या डेफिनेशन दिया है? बोला कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट मतलब 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ जैसे कंपनीज एक्ट 1956 है, तो उसको तो अप्लाई होगा ही है कंपनीज एक्ट 2013। बट और किसको अप्लाई होगा? बोला बॉडी कॉर्पोरेट को। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। देखो बॉडी कॉर्पोरेट को सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई किया है कि तेरे को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स को ये अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उस बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होगा जिसको स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि आपको कंपनीज एक्ट अप्लाई होने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये उसको स्पेसिफिकली नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि तेरे को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, इसका मतलब उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। सो ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोग ने कुछ बेसिस पे इसको डिवाइड करके रखा है। सबसे
सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी को कुछ बेसिस पे डिवाइड करके रखा है, तो कंपनी में कितने मेंबर्स है उसके बेसिस पे तीन टाइप की कंपनी डिवाइड हो जाती है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी डिवाइड होगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, उसके बेसिस पे भी डिविजन हो सकता है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड कंपनी है। फिर साइज के बेसिस पे भी डिवाइड होगा, जैसे स्मॉल कंपनी है, बिग कंपनी। अच्छा, बिग कंपनी डिफाइन नहीं है, ये तो बस डिवाइड करने के लिए बता दिया कि देखो स्मॉल कंपनी, और जो स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा वो क्या है, बिग कंपनी। तो जहां जहां पे सेक्शन लिखा वो डिफाइंड है, सेक्शन नहीं लिखा मतलब वो बस ऐसे डिवाइड करके रखा है बट बाकी वो उसको डिफाइन नहीं करके रखा है। फिर कंट्रोल के बेसिस पे भी डिवाइड होता है कंपनी में, जैसे एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। फिर ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड होता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन नहीं किया, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो क्या बन जाएगा, नॉन गवर्नमेंट। फिर स्टेटस के बेसिस पे भी, जैसे डोरमेंट कंपनी हो गया, और जो डोरमेंट कंपनी नहीं है वो क्या है, एक्टिव कंपनी। अच्छा, लिस्टिंग के बेसिस पे भी डिवाइड होता है, जैसे लिस्टेड कंपनी हो गया, और जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो क्या बन जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी। फिर लास्ट के दो डिस्कशन करेंगे, निधि कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी। अब बेटा हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कशन करने वाले लाइन से। सबसे पहले मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा, अच्छा मैंने ये फटाफट रीड क्यों किया, अभी इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो अभी मैं तुमको जो ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बताऊंगा वो ऑब्वियसली वो अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये तो सिर्फ हम लोग रीड कर रहे थे। अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कंपनी, तो ध्यान देना मैंने तीन टाइप बताया, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो भी ध्यान देना, रेडी एवरीवन, देखो इधर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बोला है प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, बोला भाई देखो डेफिनेशन क्या दिया है, मींस अ कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां पे एज में बी प्रिस्क्राइब्ड लिखते हैं तो वो लोग कहां पे प्रिस्क्राइब करते हैं इसको, वो लोग रूल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो मींस अ कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे रूल्स में इन्होंने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करके रखा है, मतलब अब कोई रूल नहीं है कि प्राइवेट कंपनी का मिनिमम इतना पेड अप शेयर कैपिटल होना ही चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी का कुछ भी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब विच बाइट्स आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये तीन चीजें होनी चाहिए और उसने ये तीन चीजें फॉलो भी करना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या होना चाहिए, पहला प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। किस बात का रिस्ट्रिक्शन, कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। देखो लैंग्वेज को समझो, थर्ड वाले पॉइंट में इन्होंने प्रोहिबिट लैंग्वेज यूज करके रखा है, ठीक है, और फर्स्ट वाले में रिस्ट्रिक्ट यूज करके रखा है। अब कितने लोग ये डिफरेंस करते ही नहीं है पढ़ते टाइम, तो मेरी बात को समझो, ए रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ रहना चाहिए कि, और ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ रहना चाहिए और प्राइवेट कंपनी ने उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो अगर क्या फॉलो करना चाहिए और क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, कि प्राइवेट कंपनी की जो शेयर्स है उसके ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, मतलब मना नहीं है, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है बाबू प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा वो कंपनी के शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मना नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये बट उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है, अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके लिए होगा, शेयर्स के लिए। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। तो पहला कंडीशन समझ गया, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ शेयर्स। ए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्यों बोला, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर हो सकता है। लेकिन बाय द वे, वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, वो भी तो प्राइवेट कंपनी होता है ना, वन पर्सन बोला। लेकिन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर्स हो सकता है, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। अच्छा, ये 200 मेंबर जब तुम इंक्लूड करोगे तो उसमें करंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, करंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि हमेशा पता है तुमको कितनी सारी कंपनीज है जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है, तो शेयर, तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए होता है, तो तुम वो इंक्लूड करोगे तो बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे प्राइवेट कंपनी में, इसीलिए बोला एम्प्लॉय, और को इंक्लूड नहीं करोगे ऑब्वियसली, फिर वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है बाद में भी तो उसको इंक्लूड नहीं करोगे, तो ना एम्प्लॉय इंक्लूड होगा ना पास एम्प्लॉय इंक्लूड होगा वो 200 में। फिर आता है प्रोहिबिट द इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी,
टू सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज, यहां पे सिक्योरिटीज लैंग्वेज यूज किया है, मतलब शेयर्स डिबेंचर्स सब आ गया यहां पे, ठीक है। और प्रोहिबिट लिखा है मतलब इट इज नॉट अलाउड, पहले वाले में रिस्ट्रिक्ट लिखा था मतलब अलाउड था विथ अप्रूवल, तीसरे वाले में प्रोहिबिट लिखा मतलब अलाउड ही नहीं है। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ दी टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नहीं बोल सकता कि आओ आओ मेरा शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह लेके जाओ। सर तो अगर प्राइवेट कंपनी को पैसे चाहिए तो फिर क्या करेगा? बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जिसको ऑफर किया है वही खरीद सकता है, दैट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। जनरल ऑफर नहीं कर सकता है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता टीवी पे या ऐसे भी आके कि जिसको आके इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, नहीं। वो स्पेसिफिक ऑफर कर सकता है सिर्फ मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, क्लियर है, जनरल ऑफर नहीं कर सकता। तो तीन कंडीशन, एक बार बताओ मेरे को, प्राइवेट कंपनी मतलब? तो बोला भाई साहब प्राइवेट कंपनी मतलब, देखो प्राइवेट कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बोलता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जिसके आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है तो शेयर्स ट्रांसफर को, फिर लिमिट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 मेंबर को, और प्रोहिबिट करता है कि जनरल ऑफर नहीं कर सकता पब्लिक को टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी। यहां पे शेयर्स नहीं, यहां पे सिक्योरिटीज है, मतलब जनरल ऑफर नहीं कर सकता है पब्लिक को कि आओ हमारा शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीद के जाओ। अगर उनको शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड इश्यू करना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑफर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगला हम डिस्कस करता है बेटा, मैंने बताया ना उसके बेसिस पे तीन टाइप की कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला मैंने प्राइवेट कंपनी बोल दिया, दूसरा पब्लिक कंपनी बोल दिया। अच्छा पब्लिक कंपनी में क्या आएगा बेटा? तो पब्लिक कंपनी का एकदम सिंपल डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। सर मतलब ये मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या बन गया? पब्लिक कंपनी। तो कभी भी पहले देखो भाई वो प्राइवेट कंपनी है क्या। तो प्राइवेट कंपनी है क्या के लिए तुम जाएगा और कंपनी खोल के उसका आर्टिकल देखेगा, और आर्टिकल में देखेगा वो तीन कंडीशंस लिखा है क्या, कि क्या तीन कंडीशन? रिस्ट्रिक्ट दी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट दी नंबर ऑफ मेंबर्स टू मैक्सिमम 200, एंड प्रोहिबिट टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज। अगर ये तीन कंडीशन लिखा है आर्टिकल में तो वो प्राइवेट कंपनी है। अगर ये तीन कंडीशन नहीं लिखा है वो फॉलो भी नहीं कर रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग वो तीन कंडीशन, ना तो लिखा है ना तो उसको फॉलो कर रहा है, ये तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? पब्लिक कंपनी। मतलब कौन है पब्लिक कंपनी? तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसके आर्टिकल में तीन कंडीशंस नहीं है, वो क्या बन गया? पब्लिक कंपनी, मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्लियर है। तो ऐसे समझो ना, एक बोलने के लिए बोल रहा हूं, लड़का उन्होंने डिफाइन कर दिया कि लड़का वो मतलब जिसके जो आंख है, अच्छा छोड़ो ये एग्जांपल बैठेगा नहीं फिर उल्टा सुलटा हो जाएगा। तो बोला कि यार इन्होंने बता दिया है कि प्राइवेट कंपनी क्या, और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या बन जाएगा? बोलो जोर से, पब्लिक कंपनी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसमें दूसरा भी पॉइंट बोला है, बोला भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है ना पब्लिक कंपनी का, तो भी वो प्राइवेट कंपनी क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक कंपनी, मतलब वो भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, लेट से एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुनो मेरी बात, एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तीन रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडरी है किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ये तो भले फिर ये प्राइवेट कंपनी आर्टिकल में तीन कंडीशन है उसको वो फॉलो भी कर रहा है, फिर भी ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड ये क्या बन जाएगा? डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बन जाएगा? डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो मैंने तुमको पब्लिक कंपनी भी बता दिया। अब लास्ट आता है वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी का डेफिनेशन मैं ऐसे वर्बली तुमको बता देता हूं। वन पर्सन कंपनी मतलब वो कंपनी होता है जिसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मैक्सिमम मिनिमम एक मेंबर होता है, मैक्सिमम मिनिमम एक मेंबर होते हैं, वो क्या होता है? वन पर्सन कंपनी, जो मैक्सिमम मिनिमम एक मेंबर होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने तुमको शेयर कैपिटल पूरा बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पूरा बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्या है मेरे बच्चों? वन पर्सन कंपनी मतलब जिसमें मैक्सिमम मिनिमम एक मेंबर है, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसके आर्टिकल में तीन कंडीशंस आ जाए कि रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट करता है नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, एंड प्रोहिबिट करता है टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटी, जनरल ऑफर नहीं कर सकता है अपने सिक्योरिटीज का पब्लिक को। ये तीनों कंडीशन हो गया तो वो प्राइवेट कंपनी हो गया। अच्छा अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या है? तो पहला बोला कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक कंपनी, मतलब जिसके आर्टिकल में तीन कंडीशंस नहीं है वो क्या हो गया? पब्लिक कंपनी। या तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है मतलब उसके आर्टिकल में तीन कंडीशंस है, लेकिन फिर भी अगर वो सब्सिडियरी है ना किसी पब्लिक कंपनी का, फिर भी वो क्या माना जाएगा? फिर भी वो पब्लिक कंपनी माना जाएगा। क्लियर है ये मेरे बच्चों? नाउ इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब मेरी बात समझो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी
ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में तीन टाइप का कंपनी आता है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी. अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाई लाइबिलिटी क्या, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी क्या होता है? तो बेटा ये वो कंपनी होता है जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन. जैसे एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के जितने मेंबर्स होंगे वो लोग कुछ गारंटी देके रखे रहेंगे कि देखो यार मैं इतना पैसा लाऊंगा, मैं उतना पैसा लाऊंगा. समझो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका तुम्हारा राकेश सर उसका मेंबर है और राकेश सर ने बोला भाई मैं 50 लाख का मतलब ये लेके आऊंगा, 50 लाख रुपया मैं गारंटी देता हूं कि मैं लेके आऊंगा, तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में तू मेंबर से मैक्सिमम कितना मंगा सकता है? 50 लाख. तो अगर मेंबर ने मान लो 50 लाख ले आया, अब मेंबर का लायबिलिटी खत्म हो गया, अब उससे ज्यादा तू मेंबर से पैसे नहीं मंगवा सकता. तो जितना भी उसने गारंटी दिया है बेटा उसका अमाउंट उतना ही रिस्ट्रिक्ट होगा, उससे ज्यादा उससे तुम नहीं मंगवा सकता है. अच्छा, ये जो गारंटी देगा वो ये अमाउंट कहां पे लिखा रहेगा? तो मेमोरेंडम में लिखा रहेगा. ठीक है, मेमोरेंडम में उसने जितना भी गारंटी में अमाउंट लाना चाहते हैं वो लिख के रखा रहेगा. अच्छा, ये पैसा उससे कब मंगवा सकते हैं? वाइंडिंग अप के टाइम पे. तो अगर समझो मैंने आज कंपनी फॉर्म किया है, आज एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हुआ है और उसमें हमने लिख दिया है कि यार कंपनी राकेश सर का लाइबिलिटी लिमिटेड है 50 लाख बाई गारंटी, तो मैं आज नहीं लाऊंगा वो 50 लाख. वो 50 लाख तक का अमाउंट कंपनी में से मंगवा तो सकता है, लेकिन कब? जब मेरी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी. क्लियर हो गया ये. दूसरा था कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स. यहां पे मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट उसका जो अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है. ए, मान लो मेरा शेयर का प्राइस 10 रुपया है और मेरे मेंबर ने ऑलरेडी 7 रुपया ले आए हैं, ये तो मेंबर का लाइबिलिटी अब कितना बचेगा? मैक्सिमम 3 रुपया हम मेंबर से मंगवा सकते हैं. ठीक है, तो उसका यहां पे लाइबिलिटी कितना होगा मेंबर का? यहां पे लाइबिलिटी मेंबर का लिमिटेड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. क्लियर है ये. तो अगर 10 रुपया शेयर्स का प्राइस है, 7 रुपया मैं ऑलरेडी ला चुका हूं, तो 3 रुपया जितना वो मेरे से मैक्सिमम मंगवा सकता है. अच्छा, यहां पे पैसा कभी भी मंगवा सकता है, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगवा सकता है और ड्यूरिंग लाइफ टाइम भी मंगवा सकता है. तो सच अमाउंट कैन बी कॉल्ड अपॉन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मंगवाया जा सकता है. अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी कोई नहीं बनाएगा, कोई पागल तो नहीं बैठा जो अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, मतलब बहुत रेयर होता है ये सब कंपनी. ठीक है, अभी अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? यहां पे मेंबर बोलता है भाई जितना भी लाइबिलिटी होगा हम अपना सब कुछ बेच देगा, हम लूट जाएगा लेकिन लाइबिलिटी पे कर देगा आउटसाइडर का. तो ये क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी होता है. अच्छा, ऐसा अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, मतलब मेंबर से हम कितना भी पैसा मंगवा सकता है. अच्छा एक बात, लेकिन कभी मंगवा सकता है? ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो, क्या बोला मैंने? लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पे मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय हिम. दूसरा, अच्छा कब मंगवा सकता है? वाइंडिंग अप के टाइम पे. दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यहां पे पैसा कब मंगवा सकता है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. अच्छा, यहां पे कभी भी मंगवा सकता है, लाइफ टाइम में भी, वाइंडिंग अप के टाइम पे. अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? यहां पे जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगा तभी सिर्फ पैसा मंगवा सकता है. और कितना मंगवा सकता है? तो अनलिमिटेड मंगवा सकता है, कोई लिमिट नहीं है. अब साइज के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं. तो साइज के बेसिस पे स्मॉल कंपनी बोला है, बिग कंपनी बोला है. अच्छा मेरी बात समझो, स्मॉल कंपनी बोला है और कंपनी बोला है. बेटा स्मॉल कंपनी क्या है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, लेकिन बिग कंपनी डिफाइंड नहीं है. मतलब जो स्मॉल कंपनी नहीं है वो क्या बन गया मेरे बच्चों? बिग कंपनी. अब सुनो मेरी बात, तो स्मॉल कंपनी क्या है? इसका अगर तुम डेफिनेशन देखेगा तो लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है, उसमें रूल्स वूल्स पास करके इन्होंने कुछ वैल्यू डिफाइन किया है. तो अपन सीधा वो वैल्यूज के साथ ही पढ़ेंगे, एकदम सिंपल. सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसा प्राइवेट कंपनी. मतलब इससे ये बात तो क्लियर है कि स्मॉल कंपनी मैंडेटरली क्या रहने वाला है मेरे बच्चों? प्राइवेट कंपनी रहने वाला है. तो स्मॉल कंपनी क्या रहने वाला है? बोलिए जोर से, प्राइवेट कंपनी रहने वाला है. मींस अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो सेटिस्फाई करता है कंडीशंस. कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करता है? पहला, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए. नंबर वन, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए. दूसरा, उसका टर्नओवर
लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जैसे अगर तुम इस साल का देख रहे हो तो टर्नओवर इस साल का, इस साल वो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है वो देखने के लिए तुम इस साल का नहीं देखेगा, तुम क्या देखेगा पिछले साल में उसका टर्नओवर कितना था। तो टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का उसका 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बता दो एक बार स्मॉल कंपनी क्या होता है। नंबर वन, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का उसका 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, ये मैं तुमको करंट रूल्स के हिसाब से बता रहा हूं वैल्यू। अच्छा, ये कंपनी तो कभी भी स्मॉल कंपनी माना ही नहीं जाएगा। कौन नहीं माना जाएगा बोला? सेक्शन 8 कंपनी तो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी के लिए बनता है, उसके लिए ऑलरेडी तुम सेक्शन 8 के बहुत सारे एग्जेम्पशन उसको दे चुके रहते हो। स्मॉल कंपनी में डाल के वापस से बहुत सारे एग्जेम्पशन अलग से देने का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, अगर कोई कंपनी है जो स्पेशल स्टैट्यू से गवर्न हो रहा है, जैसे ICA, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है LIC वगैरह जो स्पेशल स्टैच्यू से गवर्न हो रहा है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? खुद सोचो ना, जो स्पेशल स्टैच्यू के अंदर बना है ये, डोंट यू थिंक वो तो खतरनाक बड़ा कंपनी होगा? पार्लियामेंट के लॉ के अंदर बना है तो वो भी तेरा स्मॉल कंपनी माना नहीं जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब ये अच्छा खासा डिस्कशन है। अब कंट्रोल के बेसिस पे ना तीन टाइप की कंपनी आ जाती है, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। ये तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं, आपका होल्डिंग एंड सब्सिडियरी पढ़ लेते, फिर एसोसिएट पढ़ते। आ जाओ आ जाओ, देखो होल्डिंग कंपनी क्या होता है। बोला सेक्शन 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी का मतलब हुआ मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडियरी। अगर किसी के पास एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी है ये तो वो क्या बन जाएगा? होल्डिंग कंपनी। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो लोगों ने ढंग से होल्डिंग कंपनी को डिफाइन ही नहीं किया। बोला होल्डिंग कंपनी मतलब वो जिसके पास एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी है। मतलब कौन होगा पापा? तो जिसके पास बेटा है, जिसको बेटा है, जिसको बेटी है वो पापा। मतलब होल्डिंग कंपनी कौन है? जिसके पास एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरी है वो होल्डिंग कंपनी। अच्छा, फिर उन्होंने बोला इस डेफिनेशन के लिए कंपनी शैल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, अगर मेरा कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी सब्सिडियरी है, ठीक है, फिर भी मैं क्या माना जाऊंगा? होल्डिंग कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर हो गया ये? अब सुनो, तो मतलब होल्डिंग कंपनी तो कुछ तरीके से इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। इन्होंने क्या बोला अभी? इन्होंने ना, अभी देखो तुम मेरी बात समझो, इन्होंने ना सब्सिडियरी अच्छे से डिफाइन किया है। और सब्सिडियरी अगर है, मतलब किसी, अगर किसी के पास सब्सिडियरी है तो तुम उसको होल्डिंग बोलोगे। तो इन्होंने बोला भाई किसी के पास अगर सब्सिडियरी है क्या उससे ज्यादा तो वो क्या माना जाएगा? होल्डिंग। अब सब्सिडियरी क्या होता है तो सुनो मेरी बात। बोला सेक्शन 2 क्लॉज 87 में व्हाट इज सब्सिडियरी? तो बोला मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी ईदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी और एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी ईदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर सब्सिडियरी। अब सुनो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोला सब्सिडियरी कौन कौन होगा? ये तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी है जिसने किसी दूसरी कंपनी में क्या होल्ड करके रखा है, किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है, या तो उस कंपनी का वो कंपोजिशन ऑफ बीओडी कंट्रोल कर रहा है, मतलब उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहा है। देखो कंपोजिशन ऑफ बीओडी भी इन्होंने डिफाइन करके रखा है। कंपोजिशन ऑफ बीओडी का मतलब होता है तुम्हारे पास अगर राइट है सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के, तो माना जाएगा कि तुम बीओडी का कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एच लिमिटेड है, इधर देखो, मान लो एच लिमिटेड है और यह है तेरा एस लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी हो गया ना यार। तो एक मिनट, तो ये सब्सिडियरी कब माना जाएगा? ये तो बोला अगर होल्डिंग कंपनी ने इसमें 50% से ज्यादा वोटिंग पावर लेके रखा है। क्या लेके रखा है बोलो जोर से? 50% से ज्यादा वोटिंग पावर। अच्छा, यहां पे शेयर कैपिटल मत लिखना, एग्जाम में ध्यान रखना वोटिंग पावर। इन्होंने ना अमेंडमेंट लाया कुछ साल पहले और बोला भाई शेयर कैपिटल नहीं डालना है, वोटिंग पावर डालना है, क्योंकि कितनी बार कंपनी में ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर होते हैं। अब अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर है तो ऑब्वियसली तुम शेयर नहीं होल्ड करेगा ना, फिर तो तुम क्या होल्ड करेगा? तो सॉरी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर है तो हो सकता है तुम्हारे पास 50% से ज्यादा शेयर हो लेकिन तुम्हारा वोटिंग राइट कम हो,
क्योंकि तुमको हो सकता है कि 1/5 1/6 वोटिंग राइट मिल रहा हो, तो यहाँ पे फिर वो तो फिर मतलब नहीं है 50% से ज्यादा होल्ड करके। हो सकता है तुम्हारे पास 40% ही शेयर्स है बट तुम्हारे पास वोटिंग राइट ज्यादा है उसमें, तो डोंट यू थिंक हो सकता है उसने 40% शेयर्स पे तुमको 55% वोटिंग राइट मिल रहा है। ये तो सारे रिजोल्यूशन ओआर तो तुम ही पास करवाएगा, मतलब टेक्निकली कंपनी में ओआर वगैरह पास करने के लिए, एसआर वगैरह पास करने के लिए रेलेवेंट शेयर कैपिटल नहीं होता वोटिंग पावर। इसीलिए यहां पे इन्होंने अमेंड करके शेयर कैपिटल की जगह लैंग्वेज क्या यूज कर लिया, वोटिंग पावर। तो अगर मैं 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा हूं तो मैं बन जाऊंगा होल्डिंग और दूसरी कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी। या 50% से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूं और लिखा है, 50% से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूं तो और लिखा है यार, हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी इसका मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, मतलब इस सब्सिडरी कंपनी में 10 डायरेक्टर है ठीक है, और हो सकता है होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया होगा सब्सिडरी को और लोन देते टाइम बोला होगा भाई तेरा 6 डायरेक्टर को मैं ही अपॉइंट करूंगा, मंजूर है तो मैं लोन दूंगा तेरे को इतना बड़ा, बोलेगा हाँ मंजूर है। अब 6 डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है तो मतलब अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है मतलब उसके पास कंपोजिशन ऑफ बीओडी है, इस सिचुएशन में भी वो क्या बन जाएगा, ये कंपनी दूसरा कंपनी बन जाएगा सब्सिडरी और सामने वाला बन जाएगा होल्डिंग। तो अब मेरे को बताओ व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, ऐसा सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी राइट रखा है टू कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बीओडी मतलब ऐसा राइट रखा है कि उस कंपनी के वो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है ठीक है, 10 डायरेक्टर्स तो 6 अपॉइंट कर सकता है, अगर 5 डायरेक्टर्स तो 3 अपॉइंट कर सकता है वैसे। अच्छा इसके बाद या तो ऐसा कंपनी सब्सिडी कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी ने उसके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है, क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा तेरा, ये तेरा बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी, क्लियर है। अच्छा अभी मैं यहां पे लेयर वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट एक कंपनी मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी रख सकता है ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं डाल सकता हूं मैं, बट समझो अगर मैं एक्स लिमिटेड है तो उसके नीचे एक वाई लिमिटेड सब्सिडरी बन सकता है, उसके नीचे एक ई लिमिटेड सब्सिडरी, मतलब 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ये रूल 2017 में आया था, तो 2017 से पहले अगर किसी ने 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा रखा है ये तो वो कंटिन्यू कर सकता है उतने लेयर, बट उसके बाद अगर कोई चाहे अब आज के रेट में अगर कोई चाहता है 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा रखूं तो वो अलाउड नहीं है, क्लियर है। तो मैंने तुमको होल्डिंग कंपनी बता दिया, मैंने तुमको सब्सिडरी कंपनी बता दिया, अब मैं तुमको एसोसिएट कंपनी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो एसोसिएट कंपनी क्या होता है, बोला सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बोला एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी मींस अ कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा है, दूसरी कंपनी ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब अगर किसी ने 20% वोटिंग पावर रखा है तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, 2 कंपनी है, बी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है, अगर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का 20% वोटिंग पावर रखा है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में 20% वोटिंग पावर रखा है या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखा है तो ए लिमिटेड क्या हो गया बेटा, ए लिमिटेड हो गया एसोसिएट कंपनी और बी लिमिटेड हो गया इन्वेस्टिंग कंपनी, क्लियर है। ये होल्डिंग सब्सिडी जैसा ही रिलेशन हो गया, बट होल्डिंग सब्सिडी के लिए 50% वाला क्राइटेरिया है, इन्वेस्टिंग एसोसिएट के लिए 20%। तो अगर मैंने तुम्हारे में 20% वोटिंग पावर रखा तो मैं हो गया इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और क्योंकि मैंने तुम्हारे में होल्ड किया है, तुम मेरा क्या बन जाएगा, एसोसिएट कंपनी, क्लियर है ये। तो अगर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में 20% वोटिंग पावर रखा है तो बी लिमिटेड हो गया इन्वेस्टिंग, ए लिमिटेड हो गया एसोसिएट कंपनी, या तो ऐसे बन जाओगे एसोसिएट, या तो अगर तुम्हारा ज्वाइंट वेंचर है तो भी एसोसिएट माना जाएगा, मतलब 2 कंपनी मिलकर अगर कोई नेट असेट कोई ज्वाइंटली असेट होल्ड करके रख रहा है ये तो भी वापस में क्या माना जाए, तो भी वो क्या माना जाएगा, एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। तो बेटा मैंने इसी के साथ आपको कंट्रोल वाला भी बता दिया, अब मैं आपको ओनरशिप वाला बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना ओनरशिप वाला क्या है, तो सुनते जाओ व्हाट इज ओनरशिप। उसमें मैं पहला तुम लोग को ना गवर्नमेंट कंपनी बताने जा रहा हूं, ठीक है, सुनते जाओ शांति से। अच्छा गवर्नमेंट कंपनी ही बता रहा हूं क्योंकि नॉन गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन नहीं है, तो जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगा वो क्या बन गया, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो ध्यान से सुनो व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, देखो इधर बोला भाई सेक्शन 2 क्लॉज 45 में बोला गवर्नमेंट कंपनी मतलब मींस अ कंपनी हुज एटलीस्ट
51% पेड अप शेयर कैपिटल। ए तुमने नोटिस किया यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, मतलब अभी तक अपन हर जगह वोटिंग पावर यूज कर रहे थे, यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल। बट ज्यादा खुश मत होना, आगे जाके मैं बताऊंगा इन्होंने लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल, बट कहीं ना कहीं इनका इंटेंट वोटिंग पावर ही है, वो तुमको समझ जाएगा। मेरे को थोड़ा टाइम तो समझाता हूं। तो बोला मींस अ कंपनी जिसने कम से कम 51% शेयर कैपिटल रखा है, जिसमें 51% शेयर कैपिटल रखा है, किसने? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो एक या उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और थोड़ा एक या उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने। मतलब अगर एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड का अगर एटलीस्ट 51% शेयर किसने रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है, या तो वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है, ये तो वो क्या माना जाएगा? एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30% रखा है और स्टेट गवर्नमेंट ने 32% रखा है, तो 62% हो गया। या तो क्या नहीं से वन और मोर, अच्छा और दूसरा चेंज कर देता हूं ना, मान लो इसने 20% रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21% रखा है, ये तो क्या नहीं से, तो भी ये कितना हो गया? 53%। मतलब एटलीस्ट 51% हो गया ना यार, तो उससे तो ज्यादा ही हो गया। तो एक्स लिमिटेड क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। तो एक बार पहले बिना देखे बोलो, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? तो बोला गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने रखा है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है, या तो वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रखे, तो गवर्नमेंट कंपनी हो गया। या तो अगर कोई सब्सिडियरी है ना गवर्नमेंट कंपनी का, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाई लिमिटेड है, उसमें किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर नहीं रखा है, बट वो वाई लिमिटेड में एक्स लिमिटेड ने 50% शेयर रखा है। ये मतलब वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड का सब्सिडियरी हो गया ना यार, तो वाई लिमिटेड भी क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो मैं बोल रहा था ना, इन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल रखा है लिख के, लेकिन नीचे देखो लैंग्वेज क्या यूज किया है। इन केस ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज इशूड डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर। ये मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी जैसे एक्स लिमिटेड ने अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स इशू करके रखा है, तो तुमको 51% पेड अप शेयर कैपिटल नहीं रखना है, तो तुमको 51% टोटल वोटिंग पावर रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे बताओ, पेड अप शेयर अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स नहीं है, तब तुम्हें नहीं लगता है कि पेड अप शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर सेम ही होने वाला है, क्योंकि सारे शेयर्स को 1-1 वोट है? पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग राइट चेंज ही कब होगा? ये जब कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो। और इन्होंने बोला भाई अगर कंपनी में, इन्होंने क्या बोला, अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तब हम पेड अप शेयर कैपिटल बोल के रीड नहीं करेंगे, हम क्या बोल के रीड करेंगे? टोटल वोटिंग पावर बोल के रीड करेंगे। एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया सबको? आना बोलो जोर से। अच्छा, तो गवर्नमेंट कंपनी हो गया, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो क्या हो गया मेरे बच्चों? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब सुनो अगला आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, या तो डोरमेंट कंपनी। अच्छा, डोरमेंट कंपनी डिफाइंड है, और जो डोरमेंट कंपनी नहीं वो एक्टिव कंपनी। तो देखो इधर अच्छे से समझो, अब बेटा डोरमेंट कंपनी क्या होता है ध्यान दो। बोला भाई साहब, अब मैं पहले तुमको जनरल मतलब बता देता हूं डोरमेंट कंपनी का। एक कितनी बार क्या होता है, तुम कोई सिर्फ ट्रेडमार्क होल्ड करने के लिए कंपनी बना के रख लेते हो, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है तो दूसरा एक कंपनी है अपोलो ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड। अब वो अपोलो ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो कंपनी सिर्फ इसलिए बना है कि हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेडमार्क होल्ड करके रख सके। दूसरा एक और कंपनी अपोलो मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड, वो भी सिर्फ इसलिए बना है कि अपोलो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं ना, वो अपोलो मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू अपॉइंट होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में जो फाउंडर है उसके शेयर्स कम है, तो वो नहीं चाहता कि फ्यूचर में उसको लात मार के निकाल दे वेंचर कैपिटल फाइनेंस वाले, तो उसने दो अलग कंपनी बनाया और पूरा का पूरा जो अपोलो हॉस्पिटल का मेन जो क्रक्स है वो उनके पास छोड़ दिया। और वो जो दूसरी दो कंपनी है बेटा, उसी के अंदर पूरा जान है और उसके अंदर फाउंडर अकेला बैठा हुआ है, अकेला मतलब उसके सगा संबंधी बैठे। तो डोरमेंट कंपनी कितनी बार ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह होल्ड करने के लिए बनता है, कभी कभी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने जियो बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने जियो बनाया। अब मेरे को बेटा पूरा सेटअप डालने में 4 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन मेरे को आज लाइसेंस तो लेके रखना पड़ेगा, तो मैं लाइसेंस लेने के लिए कंपनी तो फॉर्म करूंगा, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी फॉर्म कर लिया। तो डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, ये शेल कंपनी नहीं होता है, जेन्युइन कंपनी होता है, बट ये इनएक्टिव कंपनी होता है। तो बोला ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना है, या तो फ्यूचर के या तो असेट्स होल्ड करने के लिए बना है, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए बना है, और उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब ना क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा, इन्होंने ये नहीं बोला है।
बोला है कि भाई ये चार ट्रांजैक्शन के अलावा, मतलब बोला है बट अलग नेगेटिव वे में बोला है, मतलब अलग तरीके से बोला है, बोला भाई ये चार ट्रांजैक्शन के अलावा सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। मतलब एक बात बताऊं मैं, दो चीज हो गया ना, पहले तो डोरमेंट कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट फ्यूचर के अपने असेट्स होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करने के लिए बनता है और उसके कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होते। अच्छा, फिर इन्होंने बोला भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या, तो बोला कि ये चार ट्रांजेक्शन के अलावा सारे ट्रांजेक्शन क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब ये चार ट्रांजेक्शन डोरमेंट कंपनी कर सकता है क्योंकि डोरमेंट कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता और ये चारों सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माने जाएंगे। मतलब डोरमेंट कंपनी ये चार ट्रांजेक्शन कर सकता है। ऑब्वियसली कंपनी बने रहने के लिए उसको आरओसी को फीस देना पड़ता है, दे सकता है, फिर उसको ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं, उसके लिए जो खर्चा करना है कर सकता है, उसको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके लिए उसको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे मेंबर्स को, कर सकता है, फिर हो सकता है उसका ऑडिट वगैरह करवाना पड़े तो स्टैट्यूटरी फीस देना होगा सीए वगैरह को, वो भी दे सकता है। तो ये सब काम डोरमेंट कंपनी कर सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अच्छा ऐसे डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं, बोला और इनएक्टिव कंपनी कौन होगा, तो अगर किसी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, मतलब दोनों होना चाहिए, लगातार कंसेक्यूटिव दो फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी वो डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर्म एमएससी वन में, एमएससी मतलब मिसेलेनियस, एंड उसको सर्टिफिकेट दे देंगे डोरमेंट स्टेटस का फॉर्म एमएससी टू में। तो अगर मैंने बैक टू बैक दो फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेट्स से 22-23, 23-24 बैक टू बैक, या 20 के लिए दो, या 23-24, 24-25 बैक टू बैक दो फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज एनुअल रिटर्न दोनों भी फाइल नहीं किया है, उसके बाद में डोरमेंट स्टेटस के लिए फॉर्म एमएससी वन में अप्लाई कर सकता हूं आरओसी को, आरओसी फॉर्म एमएससी टू में मेरे को सर्टिफिकेट दे देगा। तो बेटा ये तेरा डोरमेंट स्टेटस वाला हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हम लोग, डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, कि लिस्टेड कंपनी कौन सा है, अनलिस्टेड कंपनी कौन सा है। तो सुनना ध्यान से, देखो इधर बोलता है लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52 में बोला है मींस अ कंपनी हुज एनी ऑफ दी सर्विस एनी ऑफ दी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर कोई भी सिक्योरिटी तेरा शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा अगर तेरा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो क्या बन जाएगा, तो वो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। जैसे रिलायंस है, टाटा है, बीएससी, एनएससी वगैरह पे लिस्टेड है ना सिक्योरिटीज, तो उसको क्या बन जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिस्टेड कंपनी। अभी है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अभी तुम अगर तुमने जब भी पढ़ा रहेगा तो तुमने ये पढ़ा रहेगा कि एक प्राइवेट कंपनी, मतलब जब तुम्हारा रेगुलर कोर्स तुमने पढ़ा रहेगा तो तुमने ये पढ़ा रहेगा कि एक प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर को लिस्ट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर को लिस्ट कर सकता है तब तो वो भी लिस्टेड बन जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्लैरिफाई किया, बोला देखो नॉर्मली तो अगर एक कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, तो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। लेकिन इसके लिए ना कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने कुछ एक्सक्लूड करके रखा है। अब इसमें सबसे पहले पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी, उसने अपना इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं किया, क्या लिस्ट किया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट किया, या तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट किया, क्या लिस्ट किया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और दोनों कैसे लिस्ट किया है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, दोनों कैसे लिस्ट किया, थ्रू जनरल ऑफर नहीं दिया, कैसे दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट तुम लोग पढ़ चुके हैं ना, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, जब तुम किसी पर्टिकुलर लोगों को स्पेसिफिक ऑफर देते हो और वही सिर्फ खरीद सकते हैं सिक्योरिटी, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाता है। तो वैसा पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो फिर से एक बार बोलो, अगर कोई पब्लिक कंपनी अपना इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कर रहा, उसने अपना या तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट किया है, या तो उसने तो ये दोनों सिचुएशन में वो क्या माना जाएगा, वो लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो ये एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं ना, मतलब एक्सक्लूडेड, ये सब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता है। अच्छा इसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसने अगर अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट किया है
थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, वैसे भी प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर लिस्ट करवा भी नहीं सकता है, ले दे के सिर्फ क्या करवा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट करवा सकता है, वो भी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई पब्लिक कंपनी जिसने अपना शेयर लिस्ट तो किया इक्विटी शेयर, लेकिन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे किया, नैसडेक पे किया है, यूएसए के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, यूके के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे किया है, तो अपने लिए तो फिर भी वो लिस्टेड कंपनी नहीं होगा। तो इसको नटशेल में बताओ मेरे को, क्या बोला मैंने, व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? तो लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसे अपना कोई भी सिक्योरिटी से लिस्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज पे। अब उसके टोटल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके टोटल तीन एक्सेप्शन मैंने बताया जब वो लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। नंबर वन, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपना या तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिस्ट किया, या तो कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिस्ट किया, या तो कोई पब्लिक कंपनी है जिसने अपना इक्विटी शेयर्स लिस्ट किया है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया, तो ये तीन सिचुएशन में वो क्या माना जाएगा, वो लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। बाकी कोई भी सिक्योरिटीज अगर लिस्ट कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी क्या है? तो बोला जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो क्या बन जाएगा, वो अनलिस्टेड कंपनी बन जाएगा। अब बेटा दो टाइप का कंपनी सिर्फ बचा है अपना पढ़ने का, एक निधि कंपनी बचा है और एक स्टार्टअप कंपनी बचा है, तो एक बात उसको फटाफट कर लेते हैं। निधि कंपनी क्या है और स्टार्टअप कंपनी क्या है? निधि कंपनी एकदम सिंपल है, सेक्शन 406 में आपको बताया कि ये, अभी तुमको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, माइक्रो बैंकिंग कंपनी होता है। व्हाट इज माइक्रो बैंकिंग कंपनी? मतलब नॉर्मली देखो बैंक के क्राइटेरियाज बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये जो निधि कंपनी होता है ये माइक्रो बैंकिंग होता है। इसमें मेंबर्स आपस में आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते कि मेंबर्स आते हैं पैसे डिपॉजिट करते हैं और लोन चाहिए तो उनको ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से तुम ये समझो कि मेंबर से ही लोन ले सक, मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकते हो और मेंबर को ही लोन दे सकते हो। तो बैंक तो नॉन मेंबर के साथ भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बिजनेस कर सकता है? मेंबर के साथ। तो मेंबर से ही लोन ले सकता है और मेंबर को ही, मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकता है और मेंबर को ही लोन दे सकता है। तो ये एक तरीके से तुम बचपन में जो पिगी बैंक पढ़ता था ना, वैसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि ये लोग किस चीज को मोटिवेट कर रहा है, ये लोग सेविंग को मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गरीब लोग आते हैं साथ में और थोड़ा थोड़ा सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब सेविंग बढ़ाने का। तो सेविंग कैसे बढ़ेगा? अपना खर्चा कम करके, कॉस्ट कटिंग करके, सेविंग बढ़ा के आपस में मेंबर ही क्या करते हैं, मेंबर से ही डिपॉजिट लेते हैं, मेंबर को ही लोन देते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर के लिए काम होता है। मतलब यहां पे नॉन मेंबर से तुम डिपॉजिट नहीं ले सकते हो और नॉन मेंबर को तुम लोन नहीं दे सकते हो। क्लियर है, निधि कंपनी हो गया। अब आता है स्टार्टअप कंपनी। बेटा स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टार्टअप कंपनी में इन्होंने क्या बोला कि स्टार्टअप कंपनी मतलब ऐसा प्राइवेट कंपनी, ऐसा एलएलपी, ऐसा रजिस्टर्ड फर्म जो ये चार कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। इससे ये क्लियर हुआ कि स्टार्टअप कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड फर्म बन सकता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं बन सकता है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक, मतलब सॉरी, स्टार्टअप कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं बन सकता और स्टार्टअप कंपनी पब्लिक कंपनी भी नहीं बन सकता। बेसिकली स्टार्टअप कंपनी को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, तो ये वैसी कंपनीज होती है जो फ्यूचर में ग्रो करे। और इसी वजह से ये लोग बोला कि भाई हम नहीं चाहते कि प्रोप्राइटर जैसा अनरजिस्टर्ड बंदे को हम ये हेल्प करें। अच्छा, और पब्लिक कंपनी तो एनीवेज बड़ा होता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए पहले तो स्टार्टअप कंपनी बनने के लिए तुम तीन टाइप का एंटिटी हो सकता है, या तो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, या तो एलएलपी हो सकता है, या तो रजिस्टर्ड फर्म हो सकता है। और साथ में ये लोग बोलते हैं जिसने ये चार कंडीशन सेटिस्फाई किया है, सेटिस्फाइंग ऑल दी कंडीशंस, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई किया है? पहला, उसको 10 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर तुमने कंपनी रजिस्टर्ड किया, एलएलपी रजिस्टर्ड किया, फर्म रजिस्टर्ड किया है और तुम्हारा 10 साल खत्म हो चुका है, स्टार्टअप का मतलब होता है न्यू कमर, ये 10 साल हो गया तब तो तुम बुढ़ा हो चुका है, तब तुम स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो अगर तुम इनकॉर्पोरेट हो के 10 साल से ज्यादा खत्म हो चुका है तब तुम स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। उसका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम स्टार्टअप को बहुत सारा बेनिफिट देता है, क्यों? ताकि वो फ्यूचर में ग्रो हो। लेकिन जो 100 करोड़ के ऊपर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर एक्सीड हो गया, अब ग्रो होने की बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हाथी बन चुका है, ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, तो अब उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा।
फिर वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस, मतलब जैसे वो अलग अलग डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस कर रहा है, जैसे ओयो आया, मतलब इसमें बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं कि ओयो आया तो होटल चेन्स को डेवलप करने के लिए काम किया, तो ऐसा है जिससे ना बिजनेस मॉडल ग्रो हो, वैसा वाला कोई बिजनेस है तो ही हम लोग करेंगे, मतलब जिसका स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, जो जिसकी चांसेस हो कि वो फ्यूचर में ग्रो हो सके। और साथ में बोला है एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट अप करके नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला आप लोग क्या करेंगे या 7 साल 8 साल हुआ उसको अमालगमेट कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो बोला नहीं स्प्लिटिंग अप ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस ही बनना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या माना जाएगा मेरे बच्चों, तो वो स्टार्टअप माना जाएगा। तो एक बार स्टार्टअप का मेरे को बताइए क्या हो जाएगा, स्टार्टअप कौन बन सकता है, प्राइवेट कंपनी बन सकता है, LLP बन सकता है, रजिस्टर्ड फॉर्म बन सकता है। स्टार्टअप बनने के लिए तेरा टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, तेरा किसी भी साल में तेरा टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब स्टार्टअप हो गया। अब बेटा इसी के साथ मैंने तुम लोग को सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा दिया है, अभी एक बार ही बाकी सारे डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सुनो बाकी सब डेफिनेशन, अब बुक्स एंड पेपर्स क्या होता है तो ध्यान से सुनना। ये लोग बोलते हैं बुक्स एंड पेपर्स क्या होता है, तो बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड क्या, पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है वो भी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, ठीक है। तो बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड नंबर 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया, वाउचर, वाउचर अच्छा वाउचर और क्या होता है वाउचर राइटिंग्स क्या होता है। अपने बिजनेस में बहुत सारे नॉर्मल काम करते हो तो कुछ सामान लाया कुछ किया, कुछ सामान लाया कुछ किया, कुछ दिया कुछ लिया, तो वो सब जो काम करते हो उसके लिए बहुत सारे तुम लोग वाउचर वगैरह बनाते हो, तो वाउचर राइटिंग भी तेरा बुक्स एंड पेपर का हिस्सा है। डीड भी आ गया, जैसे लीज डीड हो जाता है अग्रीमेंट जब बनाते हो ना तुम अपना अग्रीमेंट लीज रेंट वगैरह का, तो वो तरह वो भी बुक्स एंड पेपर का हिस्सा हो गया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गया बिजनेस का। अब जो मीटिंग में जो तुम डिस्कशन करते हो उसका समराइज रिकॉर्ड्स बनता है उसको मिनट्स बोलते हैं, वो भी डिस्कशन का हिस्सा, वो भी तरह बुक्स एंड पेपर का हिस्सा आ गया। रजिस्टर भी आ गया। अच्छा रजिस्टर क्या होता है तो बेटा बहुत सारे रजिस्टर बनते हैं, मेंबर्स के रजिस्टर, डायरेक्टर्स के रजिस्टर और बहुत सारी चीजों के रजिस्टर बनते हैं डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, तो वो भी तरह बुक्स एंड पेपर का हिस्सा हो गया। तो एक बार बताओ मेरे को व्हाट आर थिंग्स इंक्लूडेड इन बुक्स एंड पेपर, तो बहुत कुछ आ गया, बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया, वाउचर, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग, मिनट्स, रजिस्टर, ये सब आ गया। और क्या ये हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी में ही होना चाहिए, तो बोला जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी हो सकता है। अब आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, तो बोला भाई सेक्शन 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाता है, परचेज एंड सेल अकाउंट आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर तुम नॉन प्रॉफिट टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, तुम्हारा क्या बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हो तो फिर परचेज एंड सेल बुक बन जाता है, फिर तेरा असेट एंड लाइबिलिटी का डिटेल बन जाता है, एंड तेरा कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड सब में नहीं बनेगा, जिसको स्पेसिफाई किया और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सिर्फ वही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएगा। तो बताओ मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ गया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, फिर तेरा परचे मतलब तेरा असेट एंड लाइबिलिटी आ गया, एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है और तुमको स्पेसिफाई करके रखा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो ये चारों चीजें तेरा क्या माना जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रीब्यूटरी। एक कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, एकदम अच्छे से सुनो, ये लोगों ने क्या बोला है सेक्शन 2 क्लॉज 26 में, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब ऐसा पर्सन, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब ऐसा पर्सन हु इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी असेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग। आप ये डेफिनेशन देखोगे तो इससे तुमको कुछ खास क्लैरिटी नहीं आएगा इससे क्या समझता है, लेकिन अब इसको अगर मैं तुमको थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ तो समझेगा। अब जब वाइंडिंग अप होता है ना, तो जो भी बंदा लायबल टू पे है, ठीक है, वो बंदा कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है 10 रुपया, अच्छा उसका पेड अप वैल्यू है 6 रुपया, तो 10 में से उसने 6 रुपया ही अभी तक पे आउट करा है, 4 रुपया पे नहीं किया है। और जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई, वाइंडिंग अप में गई और कंपनी के पास सफिशियंट असेट नहीं है, तो कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा मंगवा रहा है, तो क्योंकि 10 में से 6 रुपया तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो कंपनी से और कितना मंगवा सकता है, मैक्सिमम 4 रुपया। तो ये जो 4 रुपया इससे मंगवाएगा इस पार्ट के लिए, ये बंदा क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। अब इसको सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं समझेगा, तो अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे किसी को पैसा देना पड़ रहा है किसी मेंबर को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल, एक कंट्रोल
के तीन तरीके है। पहला, ये अगर तुम कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो तो कंट्रोल, 10 डायरेक्टर है तुम 6 अपॉइंट कर रहे हो तो कंट्रोल, या तो तुम कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो या तो कंपनी क्या पॉलिसी बना रही है तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो अगर ये तीन कंट्रोल कर रहे हो तो क्या माना जाएगा, तो कंट्रोल माना जाएगा। तो कंट्रोल तीन तरीके से हो सकता है, या तो तुम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, या तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो, या तो कंपनी क्या पॉलिसीज बना रही है उसको कंट्रोल कर रहे हो। अगला आता है कोर्ट। कोर्ट में क्या क्या आएगा, ए डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखो, सब मतलब हाई कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट से नीचे तेरा सेशन कोर्ट आता है, और सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेम हो गया, सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, और उसके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये सब आ गया। अच्छा अब एक बात बता रहा हूं, तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखो ना, कोर्ट में क्या क्या आ गया, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ठीक है छोटे मोटे एकदम गलतियों के लिए तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाते हो। अच्छा स्पेशल कोर्ट क्या होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो वो सेशन कोर्ट का हिस्सा है, सेशन कोर्ट के ही कुछ जजेस को कुछ पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोलते कि तुम आज से सिर्फ यही एक्ट के ऑफेंसेस को हियर करोगे, तो उसको स्पेशल कोर्ट बोला जाता है उस एक्ट के अंदर, ठीक है। अभी डिटेल में तो नहीं बता सकता, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तो ये सब आ गया, तुमने नोटिस किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट नहीं बोला है, क्योंकि बहुत जगह पे लोग कोर्ट का रेफरेंस देते हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ओवरलोड हो जाए बर्डन से, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हम कोर्ट में तो सिर्फ इनको ही बोलेंगे, हाँ अगर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी को जाना अलाउ करे तो हम अलग से वहां पर सुप्रीम कोर्ट लिख देंगे, बट इस डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। तो इन्होंने कोर्ट में यही पे चार को डाल के रखा है। तो क्या क्या बोला है कोर्ट में बताओ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, और फिर मैंने तुमको लास्ट में क्या बताया, स्पेशल कोर्ट। क्लियर है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहले लिया था, स्पेशल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर आता है डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी क्या होता है, अच्छा डिपॉजिटरी का डेफिनेशन अगेन जो दिया है उससे क्लैरिटी नहीं आएगा, तो मैं तुमको थोड़ा एक दो मिनट ब्रीफिंग लेके समझा देता हूं। देखो डिपॉजिटरी बोला है कि मींस अ डिपॉजिटरी जो सेक्शन टू क्लॉज 1E में डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में जिसको डिफाइन करके रखा है डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिटरी। अब इससे तो समझ में नहीं आता है, अब तुमको डिपॉजिटरी एक्ट तो है भी नहीं पोर्शन में, तो मैं तुमको समझाता हूं डिपॉजिटरी क्या होता है। ये एक्चुअली क्या होता था कि ये हर्षद मेहता का स्कैम हुआ ना, तो बहुत सारे फेक तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह मार्केट में आ गया था, तो गवर्नमेंट को फिल्टर सिस्टम डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट क्या बोला कि यार जो शेयर्स है ना, जो शेयर्स फिजिकल तुम अपने शेयर्स डिपॉजिटरी को दे दो, और डिपॉजिटरी क्या करेगा, कंपनी से कंफर्म करेगा और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंफर्म करेगा, और फिर तुम्हारे फिजिकल शेयर्स को डिस्ट्रॉय करके उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हारे शेयर्स को होल्ड करेगा। जैसे बैंक में अपन करेंसी होल्ड करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वैसे ही डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड करता है, इसको डिपॉजिटरी बोल दिया, ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी को अगर आप तुम एकदम लेमन टर्म में समझो तो ये लोग तुम्हारा शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, बट एक बात याद रखो, जैसे आरबीआई का रिलेशन है डिपॉजिटरी के साथ, आरबीआई का रिलेशन है बैंक के साथ, वैसे डिपॉजिटरी का रिलेशन है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ। मतलब तुम अपना जो डीमेट अकाउंट है वो डिपॉजिटरी के पास नहीं खोलता है, डीमेट पार्टिसिपेंट्स के पास खोलता है। फॉर एग्जांपल, तो जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है वो तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो मुझे डीमेट खोलना है तो मैं डिपॉजिटरी के पास नहीं जाऊंगा, आईसीआईसीआई पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और वो लोग रजिस्टर होते हैं डिपॉजिटरी के पास। और देश अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर है तो सब लोग को डिपॉजिटरी मैनेज नहीं कर सकता है। अच्छा तो बहुत सारे डिपॉजिटरी नहीं है देश में, सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है, एनएससीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और उनके नीचे बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोगों का डीमेट मेंटेन करते हैं। अच्छा एक्सपर्ट का मतलब क्या है, लॉ में बहुत जगह पे एक्सपर्ट एक्सपर्ट लिखा रहता है, ये लोग सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, तो एक्सपर्ट में इन्होंने किसको किसको इंक्लूड करके रखा है, सीए सीएस सीएमए, ठीक है, सी ए सी एस सी एम ए इंजीनियर वैल्यू है, तो चार तीन तो ऐसे याद रहेगा, सी ए सी एस सी एम ए साथ में ही रहते, साथ में फिर इंजीनियर और वैल्यूअर, ठीक है। फिर अच्छा इंजीनियर वैल्यूअर क्या करता है, तो वैल्यूअर वैल्यूएशन करता है, इंजीनियर भी वैल्यूएशन ही करता है, बट इंजीनियर और वैल्यूअर अलग अलग चीजों का वैल्यूएशन करता है, बट दोनों का काम वैल्यूएशन का ही है। फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या क्या आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चेंजेस इन इक्विटी आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है। तो एक बार बताओ बिना देखे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये पांच चीजें आपका ये आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, छोटी छोटी कंपनी को, तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ये लोगों को नोट्स का, ये लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। अब आता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये अगर तेरी कंपनी 1 जनवरी के पहले बनी है तो तेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर के, और अगर 1 जनवरी के बात बनी है तो भी 31 मार्च को एंड होगा, बट ऑब्वियसली दोनों का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, मान लो मेरी कंपनी अगर 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 23 तक कभी भी बनी है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कहां पे एंड होगा, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के एंड को, 31 मार्च 24 को एंड होगा, क्लियर है। और अगर मेरा कंपनी 1 जनवरी 24 को बनी है तो फिर उस साल नहीं, उसके अगले साल के 31 मार्च को एंड होगा, मतलब 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो एक सिंपल तरीके से याद रखो ना, इस पूरे साल में 23 में अगर कंपनी कभी भी बनी है मेरा, तो नेक्स्ट 31 मार्च को होगा फाइनेंशियल ईयर एंड, और अगले साल कभी भी अगर मेरी कंपनी बनी तो उसके नेक्स्ट ईयर मेरा 31 मार्च को एंड होगा, क्लियर है ये। तो ये चाहिए तो ये एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक है, बढ़ू आगे, अब ध्यान देना। तो क्या बोला, इन रिलेशन टू कंपनी या तो बॉडी कॉर्पोरेट, मींस द पीरियड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, 31 मार्च एवरी ईयर, एंड इफ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी को बना है तो फिर उसके अगले साल के 31 मार्च को बनेगा, क्लियर है ये। तो ऐसे भी याद रखो, 1 अप्रैल 23 से अगर 30 दिसंबर 23 तक बना है तो 31 मार्च 24, 1 जनवरी 24 से लेके 31 मार्च 24 तक अगर तेरा मतलब बना है तो फिर अगले साल के 31 मार्च 24 तक तेरा बनेगा। आर यू अंडरस्टैंड, मतलब 1 जनवरी ऑनवर्ड्स अगर बना है तो अगले साल के 31 मार्च को कंपनी एंड होगा, क्लियर है ये। फ्री रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व्स क्या होता है, सिंपल बोलता है जिस प्रॉफिट से तुम डिविडेंड दे सकते हो उसको फ्री रिजर्व बोलेंगे। तो प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व, सिंपल डेफिनेशन है। अगला केएमपी क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सनल। देखो लॉ में ना बहुत जगह पे इन्होंने केएमपी का रेफरेंस देके रखा है, तो केएमपी समझना बहुत जरूरी है। तो केएमपी में क्या क्या इंक्लूड करके रखा है इन्होंने, बोला केएमपी में सीईओ आ गया, मैनेजर आ गया, एमडी आ गया, क्या क्या आ गया बोलो एक बार जोर से, सीईओ, मैनेजर, एमडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सीईओ फिर से क्या आ गया बोलो जोर से, सीईओ आ गया, मैनेजर आ गया, एमडी आ गया, पहला। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, पहला क्या आ गया, सीईओ, मैनेजर, एमडी, ये लोग ऐसे याद रखो ना, ये लोग कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी, ये लॉ को कंट्रोल करता है कंपनी के। होल टाइम डायरेक्टर, ये तो तेरा फुल टाइम कंपनी में बैठता ही है, काम करता है, पूरा काइंड ऑफ एम्प्लॉई है ये। सीएफओ, ये कंपनी के फाइनेंस को कंट्रोल करता है। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बताओ एक बार क्या बोला केएमपी में, एमडी, मैनेजर, सीईओ, फिर तेरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते, फिर ऑपरेशंस को एक और बंदा कंट्रोल करता है, होल टाइम डायरेक्टर, तो ये दोनों आ गया। फिर लॉ को कौन कंट्रोल करता है, सीएस, फिर फाइनेंस को कौन कंट्रोल करता है, सीएफओ, तो ये सब तो आ ही गया। अब ध्यान से सुनना, अच्छा अब ध्यान से सुनना, बोलते हैं एनी पर्सन वर्किंग बिलो द लेवल ऑफ बीओडी एंड डेजिग्नेटेड एज केएमपी, मतलब अगर कोई बीओडी से एक लेवल नीचे काम कर रहा है, मतलब ऐसे याद रखो ना, होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे काम कर रहा है, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे काम कर रहा है, ठीक है, ये बंदा, तो ये भी काफी सीनियर बंदा होता है, किसी डिपार्टमेंट का हेड होगा ये भी केएमपी माना जा सकता है। बट यहां पे याद रखना, बीओडी से, होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे काम करने से कोई केएमपी नहीं बनेगा, एक लेवल नीचे होना चाहिए प्लस उसको डेजिग्नेट करना चाहिए केएमपी बीओडी ने। तो ऐसे समझो ना कि अगर एक लेवल नीचे है लेकिन बीओडी ने डेजिग्नेट नहीं किया है, तब वो केएमपी नहीं माना जाएगा। एक लेवल
नीचे नहीं है, दो तीन लेवल नीचे, और बीओडी डेजिग्नेट करना चाहता है कि एमपी, तो बीओडी डेजिग्नेट भी नहीं कर सकता है। अच्छा, एक लेवल नीचे है एंड बीओडी ने उसको केएमपी डेजिग्नेट किया है, अब वो बंदा क्या माना जाएगा? अब वो बंदा केएमपी माना जाएगा। और फिर बोला सच अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब, बाकी जो भी, तो बताओ केएमपी में क्या क्या आ जाएगा? एमडी, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, फिर सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, वन लेवल बिलो डब्ल्यूटीडी या बीओडी एंड डेजिग्नेटेड एज केएमपी, ये हो गया तेरा केएमपी। मेंबर कौन होगा? मेंबर कौन होगा? ये तो बोलते हैं मेंबर बनने के तीन तरीके, ऐसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं, मेन प्रैक्टिकली दो ही तरीका है, तीसरा तो इन्होंने जबरदस्ती का डाला है, मैं तुमको बताऊंगा क्या है लॉ में। देखो पहला क्या है, ए, जब कंपनी फॉर्म होती है तब मेंबर बन सकते हो, या तो कंपनी फॉर्म होने के बाद मेंबर बन सकते हो। तो जब कंपनी फॉर्म होगी ए, तब तुम क्या करोगे? तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी फॉर्म होती रहती है तब तुम सब्सक्राइब करते हो शेयर्स को मेमोरेंडम में, तो तुम मेंबर बन जाते हो। ठीक है, तो जब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो मेमोरेंडम में कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते वो बंदा क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। अच्छा, कंपनी फॉर्म हो चुकी है, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, अब किसी को मेंबर बनना है तो कैसे बनेगा? तो अब किसी को मेंबर बनना है तो वो बोलता है मुझे मेंबर बनना है, ठीक है, और उसके बाद बीओडी डिसाइड करता है कि उसको मेंबर बनवाना है या नहीं। ठीक है, तो पर्सन हु लेटर ऑन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी अग्री टू सब्सक्राइब दी शेयर, वो बोलता है भाई मुझे शेयर खरीदना है, मुझे मेंबर बनना है। अब मेमोरेंडम तो सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, तो वो सिर्फ शेयर खरीदेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब दी शेयर। क्लियर है? तो पहला दो तरीका क्या है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइब द शेयर्स टू मेमोरेंडम, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सीधा सब्सक्राइब करेगा शेयर्स को मेमोरेंडम में, कोई वो सब्सक्राइबर नहीं बनता। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, इनकॉर्पोरेशन के बाद वो शेयर्स खरीदेगा, उसे ही मेंबर बनना बोलते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, तीसरा वाला क्या है, अगर किसी का नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर डाल के रखा है तो भी वो मेमोरेंडम बनेगा, डिपॉजिटरी ने डाल के रखा है। एक्चुअली होता क्या है, अभी मैंने तुमको डिपॉजिटरी का मतलब बताया। देखो होता क्या है ना, दो होते हैं, मतलब डिपॉजिटरीज होते हैं, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मेरी बात सुनो, दो चीजें होती है, पहला क्या होता है डिपॉजिटरी, दूसरा होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ए, जब तुम अपने शेयर्स को डीमैट अकाउंट में मेंटेन करते हो तो उसको वो किसके पास होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। तो रियल लाइफ में अभी इसका लॉजिक नहीं बता पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि टाइम कम है, रिविजन लेक्चर है, बट तुम इतना समझो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लीगल ओनर रहता है, और जो बंदा शेयर्स खरीदा है ना वो लीगल ओनर नहीं होता, वो बेनिफिशियल ओनर होता है। मतलब उसको शेयर्स के सारे बेनिफिट मिलेंगे, वोटिंग राइट और जो भी होता है, मतलब डिविडेंड बेच के पैसा कमाना, ये सब राइट उसको मिलेगा, तो उसको बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं जब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है तो। बट ऑब्वियसली बात है, मेंबर होता कौन है? देखा जाए तो डिपॉजिटरी तो ही मेंबर बनेगा, मेंबर तो वो बंदा बनेगा जिसने पैसा डाला है। तो वही बोला है कि ये जो बंदा बेनिफिशियल ओनर है ना शेयर्स का, ये क्या माना जाएगा? मेंबर माना जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, नेटवर्थ में क्या क्या आ जाएगा बताओ मेरे को। देखो नेटवर्थ में शेयर कैपिटल आ गया, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस एक्युमुलेटेड लॉस, माइनस मिसेलेनियस एक्सपेंस। अब ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्युमुलेटेड लॉस माइनस मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर। अच्छा, मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑब्वियसली तुमने बहुत सारे प्रिलिमिनरी वगैरह खर्चे करके रखे वो सब। ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पनिशमेंट होगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता कौन है? ये तो होल टाइम डायरेक्टर माना जाता है और केएमपी माना जाता है। अच्छा, केएमपी क्या होता है? अभी मैंने तुमको बताया था। अच्छा, कंपनी में अगर केएमपी नहीं है तो फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट वो डायरेक्टर होगा जिसको भी उस काम के लिए ऑथोराइज करके रखा है बीओडी ने, या जिसको भी बीओडी ने ऑथोराइज करके रखा है। तो ये तीन तो हो गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन हो गया? होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, और केएमपी नहीं है तो जिस भी डायरेक्टर को बीओडी ने ऑथोराइज किया। फिर कितने काम के लिए कोई ऑफिसर को अपॉइंट करके रखा है रिस्पॉन्सिबल, वो बंदा भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है। जैसे अकाउंट्स के लिए मैंने कोई चीफ अकाउंटेंट अपॉइंट करके रखा है, तो अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हुआ तो चीफ अकाउंटेंट विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। या ऐसा और ऐसा कोई बंदा जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी के डायरेक्शन पे टाटा के डायरेक्टर्स काम कर रहे, तो अगर तो रतन टाटा जी को भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोल सकते हैं। फिर कंपनीज, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्टर, मर्चेंट बैंकर, ये सब भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट मैंने क्या बोला, डायरेक्टर मतलब तेरा होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, केएमपी नहीं है तो जिस डायरेक्टर को बीओडी ने ऑथोराइज करके रखा है, फिर उसके बाद जिसके इंस्ट्रक्शन पर कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह काम कर रहे, इस वो पर्सन जिसको ऑथोराइज करके रखा है काम के लिए, ये सब क्या माना जाएगा तेरा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट
मर्चेंट बैंकर, ये सब भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, रजिस्टर, ये सब भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया मर्चेंट बैंकर। फिर इसके बाद प्रमोटर कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ध्यान से सुनो, हु इज प्रमोटर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में इन्होंने प्रमोटर को डिफाइन करके रखा है। ये प्रमोटर मतलब कौन, बोलते हैं ऐसा बंदा जिसका प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में हमने प्रमोटर बोल के नाम डाल के रखा है। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, जो कंपनी स्टार्ट किया वो प्रमोटर, जरूरी नहीं है। तो अगर कोई बाद में भी बना है, आया है कंपनी में और हमने उसका एनुअल रिटर्न में प्रमोटर बोल के नाम डाल दिया है तो भी वो प्रमोटर माना जाएगा। या तो अगर कोई कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के ट्रांजैक्शंस का पूरा कंट्रोल उसके पास है, वो भी प्रमोटर माना जा सकता है। या तो किसी के एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन पे बीओडी काम कर रहा है तो वो भी प्रमोटर माना जाएगा। जैसे रतन टाटा जी के इंस्ट्रक्शंस पे टाटा के बीओडी काम कर रहे तो रतन टाटा जी क्या माने जाएंगे, प्रमोटर। तो प्रमोटर बनने के तीन तरीके से तुम प्रमोटर माना जाएगा। पहला, अगर तुम्हारा नाम एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर, या तो तुम कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हो या तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा, वो प्रमोटर माना जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब हम लोग अगला डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 72 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में तीन डाला है, LIC, IDFCI, UTI। तो ये तीन एंटिटी तो है ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे याद रखो, आई लव यू, ठीक है, आई से IDFCI, L से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और U से UTI, ये तीनों तो रही तरह पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI से कंसल्ट करके नोटिफाई किया है कि ये PFI माना जाएगा, वो भी PFI माना जाएगा। लेकिन एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कंसल्ट करके सिर्फ किसको नोटिफाई कर सकता है PFI? अगर वो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में बना है तो वो कर सकता है, या तो अगर उसमें मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने या उन लोगों ने मिलकर होल्ड किया है तो उसको नोटिफाई कर सकता है। तो अब मेरे को बताओ, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो IDFCI, LIC, UTI, ये तीन तो माना ही जाएगा। बाकी जिसको CG ने इन कंसल्टेशन विद RBI नोटिफाई किया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी माना जाएगा। लेकिन किसको नोटिफाई कर सकते हैं? उस एंटिटी को नोटिफाई कर सकते हैं जो या तो सेंट्रल स्टेट एक्ट में फॉर्म हुआ है या तो जिसका मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर होल्ड करके रखा है। तो बेटा, इसी के साथ आपका प्रिलिमिनरी का पूरा डिस्कशन हो गया है। मैंने लिमिटेड टाइम में कोशिश किया आपको एक पूरा अच्छे से रिकलेक्ट करवाने का। आई होप इट हैज बीन, यू हैव बीन फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।